खुशी को देख। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पूजा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जैसे सभी जानते हैं दीपावली चली गई है, जब त्यौहार आते हैं तो कितना अच्छा लगता है और जब चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आज जो है त्यौहार है, आज घरों में टिक भी कहते हैं इसको, टिक तो त्यौहार से कहते हैं। और आज भैया दूज भी है हमारे गाँव में, भैया दूज आज मना रहे हैं। तो सभी को भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। तो दोस्तों आज मैं इस बार गांव में नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी जाती थी तो गांव जाती थी, पहले ससुराल जाती थी, फिर उसके बाद मायके जाती थी, मायके में भैया के साथ भैया दूज मनाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है दिसंबर में, तो यहीं आने वाली है शॉपिंग करने और उसके बाद फिर यहीं से हम लोग गाँव को जाएंगे। तो बार बार घर में आना जाना बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर अकेले हो तो चल जाता है, पर बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए फिर एक तो मौसम ठंड का चल रहा है, तो इतनी छुट्टियाँ भी नहीं है, फिर बाद में लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इस बार यहीं हमने भैया दूज मना लिया, यहीं हमने दीपावली मना ली। तो आज मैं आप लोगों को अपने बच्चों का जो भैया दूज है वो कैसे मना रहे हैं करके उसको शेयर करने वाली हूँ, ताकि वो आप लोगों को पसंद आए। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना लाइक करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को। आगे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कीजिए। भाई बहन का रिश्ता दोस्तों बहुत अनोखा रिश्ता होता है, बहुत अचूक रिश्ता होता है, चाहे वो रक्षाबंधन हो चाहे वो भैया दूज हो, बड़ा अच्छा लगता है। अभी इन्हें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, पर जब बड़े हो जाएंगे तब पता चलेगा इन्हें क्या है करके। प्यार से चलो दीदी को चॉकलेट दो। प्रणाम करो दीदी को। राखी की तरह बांधो जैसे राखी बांधते हो। बोलो भैया प्रॉमिस करो मुझे। हाँ प्यार से रहेंगे, आप मेरी रक्षा करना और मैं आपकी।